और अनुरोध इसलिए करने के लिए आया हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुल्म का शिकार हुआ 6 महीने तक मोदी जी ने मुझे जेल में रखा, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा जब तक आप लड़ेंगे तब तक आपसे सीना तान के लड़ने के लिए तैयार हो, झुकना मंजूर नहीं है, झुकना मंजूर नहीं है, झुकना नहीं सीखा हम लोगों ने। इस मंच पर हमारे साथी विधायक अतुल प्रधान जी बैठे हुए, हरेंद्र मलिक जी बैठे हुए, मुजफ्फरनगर से वहां की जनता ने इनकी जीत सुनिश्चित कर दी है, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। इसलिए भाजपा वालों आप लोग भी कोई कमी मत छोड़िएगा। समाजवादी पार्टी के तमाम सम्मानित नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आम आदमी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका जी, मेरठ के अध्यक्ष हमारे साथी अंकुश चौधरी जी, बागपत के अध्यक्ष ओमवीर जी, समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज जो जुल्म की सरकार देश के अंदर चल रही है, तानाशाही की सरकार जो देश में चल रही है, जो आपके संविधान को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहती है, समाजवादियों में आपसे अपील करने के लिए आया हूं, चाहे जितनी लाठी चले, चाहे जितने मुकदमे हो, चाहे जितना जेल में जाना पड़े, कभी भी बाबा साहब का संविधान इस देश में खत्म मत होने देना। दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, उनकी न्याय की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आपको आगे बढ़ाना है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई इस देश के अंदर, बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ दिया गया। मैं कल महाराष्ट्र में था, वहां बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तीर कमान मोदी जी ने चोरी कर ली, शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली, और आपके इलाके में बागपत में यहां तो हैंडपंप चोरी करके ले गए हैंडपंप। कर लिया चोरी की नहीं किया बताओ? हैंडपंप चोरी कर लिया ना? हैंडपंप चोरी कर लिया? जिन लोगों ने हैंडपंप चोरी किया है उनको पानी पिलाने का काम आप लोग करना, पंडित अमरपाल शर्मा जी को जिताकर। इंसान को अपने किरदार पर रहना चाहिए। राजनीति के अंदर अगर आप है तो आपको ईमानदारी से जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे याद है मेरठ का किसान, मुजफ्फरनगर का किसान, बागपत का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली गया था अपना अधिकार मानने के लिए, तीनों काले कानून के खिलाफ, कहने लगे मोदी जी ये काला कानून वापस ले लीजिए। मोदी जी ने लाठियां चलवाई, दुश्मन देश के नागरिकों की तरह अन्नदाताओं के साथ व्यवहार किया, कीड़ेदार ने उनके सामने पुलिस की लाठियां बरसाई गई, उनके सर फोड़ दिए गए, आंसू गैस के खोले छोड़े गए, 750 अन्नदाता किसानों ने अपनी शहादत दी है। बागपत के लोगों, मैं उनकी सौगंध देने आपको आया हूँ, वोट मोदी सरकार के खिलाफ देना, भाजपा के खिलाफ देना, इंडिया गठबंधन को देना, पंडित अमरपाल शर्मा को देना, आपको उन 750 किसानों की शहादत की सौगंध है। कहते हैं दिल्ली कैसे आ गए किसान, कहते हैं किसान दिल्ली कैसे आ गए, अन्नदाता दिल्ली कैसे आ गए, इनको तो हमें घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, इस धरती पे अन्न पैदा करके जो अनाज पैदा करते हैं, वो अनाज, किसान का वो अनाज भाजपा के लोग भी खाते हैं, तुम्हारे बच्चे भी खाते हैं। किसानों का पहला हक हिंदुस्तान के ऊपर है, दूसरा हक किसी का है, पहला हक हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का है। उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। संसद के अंदर जब एक काला कानून आया किसानों के खिलाफ, मैंने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया मैंने संसद में,
भाजपा कहने लगे देखो देखो संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया। मैंने कहा भाजपा ही अगर तुम किसानों के हड्डी तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे माइक तोड़ूंगा, तुम्हारे आगे हम झुकने और रुकने वाले नहीं है। साथियों और दोस्तों, उन किसानों ने विधानसभा के चुनाव में एक पार्टी और एक नेता को गठबंधन में समर्थन दिया। मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि हमारे उस मित्र को तोड़कर उसकी हाइम पाइप चुराकर भाजपा वाले लेके चले गए अपने साथ। जब भी खड़ा थोड़े खड़ो, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, भले ही वो चले गए भाजपा के साथ, लेकिन आप लोगों को उन 750 किसानों की शहादत का बदला लेना है। राकेश टिकैत जी की आंखों से जो आंसू निकले थे उन आंसुओं का बदला लेना है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे ने जो दिल्ली की धरती पर अपने आंसू बहाए थे उन आंसुओं का बदला लेना है और बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम करना है आपको। और याद रखिए, आज जो परिस्थितियां हैं, समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, किसी को छोड़ नहीं रहे। अभी क्या किया क्षत्रियों के साथ, राजपूत बिरादरी के लोगों के साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार का केंद्रीय मंत्री रूपाला, वो क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है, क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, लड़ाई लड़ना है हम लोगों से लड़ो, हमारे परिवार के हमारी बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सूद समेत इसका जवाब दिया जाएगा। और इसलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं कि सब लोग इकट्ठा होकर पंडित अमरपाल शर्मा को यहां से जिताने का काम करिए। जाति का धर्म का भेद भूल कर इनको यहां से जिताने का काम कीजिए। पहले ही चरण के चुनाव के बाद मोदी जी की बौखलाहट ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी वापस जा रही है, वो चुनाव में हार रही है। राज इंदौरी के बेटे ने बड़ी अच्छी लाइन कही, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं। मैं कहता हूं मोदी जी, 10 साल हो गए आपको बीजेपी के लोगों, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो बताओ। मोदी जी कहते हैं इस चीज की गारंटी है, उस चीज की गारंटी है, ऐसी गारंटी है, वैसी गारंटी है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। बताओ, आपसे कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, दे दिया क्या? 20 करोड़ नौकरी मिल गई, हाथ उठा के बताओ, मिल गई क्या? मिल गई नहीं मिली? किसानों को बोले आपकी आय दोगुना हो जाएगी, किसान भाइयों की आय दोगुना हो गई क्या? और क्या बोले, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए 15 लाख। 15 पैसे भी आपके खाते में नहीं आए। और घर की माताओं बहनों ने जो अपने पति से छिपा के 1500 की नोट रखती थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, जो सोचा था उन्होंने कि कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा, मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही 1500 की नोट जो आपने अपने संदूक में रखी है, यही काला धन है, इसको लाइन में रख के जमा कर दो, देश में नोटबंदी का घोटाला किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के लोग बोलते हैं, मैं तो कहता हूं जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुल धुल के साफ करके
उनको राजा हरिश्चंद्र बना दिया। अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पे आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुश्रीफ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल सुवेंदु अधिकारी मुकुल राय हेमंत शर्मा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आज दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या बुरा अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा दी, फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, अस्पताल दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई। ऐसे अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसने दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम किया, आज उसको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, दवा नहीं दे रहे हैं। मैं व्यापारी समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, पूरे देश में व्यापारी समाज के लोग कह रहे हैं, हमारे समाज का एक ही मुख्यमंत्री था, उसको भी पकड़ के, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के मोदी जी ने जेल में डाल दिया। इसका भी बदला और हिसाब किताब आपको लेना है। इस बार के चुनाव में आपको उनको साथियों और दोस्तों, बातें बहुत है, इनके 400 पार के नारे को जरूर ध्यान में रखना। 400 पार क्या कहते हैं? 400 पार ये फर्जी नारा है, फर्जी नारा। गए थे बंगाल में, कहने लगे 200 पार 200 पार 200 पार, आई 77 सीट। फिर गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। फिर आए दिल्ली में, बोले 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। फिर गए महाराष्ट्र में, बोले 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। फिर गए हरियाणा में, बोले 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। फिर गए मिजोरम में, बोले 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है बताओ, हाथ उठा के बताओ, पीछे तक बताओ। ये पंडित अमरपाल शर्मा जी जो है, इनके काम के बारे में पता करना हो, विधायक के रूप में 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते थे। अभी चेयरमैन इनके परिवार से, आज भी ये लोगों के लिए काम करते हैं। मैं दिल्ली का सांसद हूँ, इनके क्षेत्र की एक सड़क दिल्ली से जुड़ती है, हमारे पास आए, बोले दिल्ली के क्षेत्र की सड़क है, हमारे क्षेत्र से जुड़ती है। मैं वहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन, मैं वहाँ के नगर पालिका को बेहतर बनाना चाहता हूँ, आप इसमें सहयोग कीजिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये जो सड़क है, इसमें जो भी खर्चा आएगा अपनी सांसद निधि से हम देने का काम करेंगे। ये आपके लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, ये आपके लिए काम करेंगे। ये आज आपसे हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके एक एक वोट की कीमत ये अपनी सेवा से चुकाने का काम करेंगे, अपनी मेहनत से चुकाने का काम करेंगे। और आज किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया, ममता बनर्जी के हर रोज छापे मारते हैं, विजयन कहाँ छापे मारते हैं, स्टालिन कहाँ छापे मारते हैं, अखिलेश यादव जी आपके नेता को सीबीआई का नोटिस भेज दिया। अरे भाजपा के 3 है भाई, ईडी आईटी और सीबीआई, उन्हीं के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, उन्हीं के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है वो याद रखना, अखिलेश यादव जी की सरकार ने क्या काम किया है याद रखना। अखिलेश यादव जी की सरकार में जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कहा गांव गांव में एम्बुलेंस की सेवा होनी चाहिए, कोई गरीब आदमी अस्पताल पहुंचने से वंचित ना रह जाए,
अगर उसको जरूरत है तो एम्बुलेंस उसके घर पे पहुंचनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता इनकी सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरू किया था। अखिलेश यादव जी की सरकार में लैपटॉप बांटे गए थे नौजवानों को। तो हम आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बात करते हैं शिक्षा की, स्कूल की, अस्पताल की, बात करते हैं आपकी तरक्की कैसे होगी, आपको रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, कैसे किसान को उसके फसल का दाम मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, एक चुनावी सभा में गए तो कहने लगे भाइयों और बहनों गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये शमशान बना सकते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकते। आए वोट मांगने तो कहना हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, हमको शमशान नहीं चाहिए, ये बात आपको कहनी होगी। साथियों और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी से ज्यादा ज्ञानी कौन है, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, उनके टक्कर का आदमी कौन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां इतने नेता बैठे हैं, हरेंद्र मलिक जी हैं, अतुल प्रधान जी हैं, इनसे पूछोगे या अमरपाल शर्मा जी से पूछोगे कि भैया कभी नाली से गैस बनते हुए आपने देखा है, ये सब मना करेंगे, कहेंगे नाली से गैस निकलती है क्या, नाली के गैस से चाय बनती है, प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाते हैं, प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाते हैं। बिहार में गए तो कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। हमारे यहाँ खलियाबाद में गए तो कहने लगे बाबा गोरखनाथ जी, बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा कबीर जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे, उनके जीवन काल में ही बहुत बड़ा अंतर है। तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी ने एक बार कहा कि भाई हमने कहा बादल है, मौसम खराब है, रडार में नहीं आएगा, हमला कर दो। ऐसी ऐसी बातें करते हैं देश के प्रधानमंत्री, ये मूर्खतापूर्ण बातें करके आपको भटकाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करने का काम करते हैं। इस बार हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मत करना, इस बार वोट करना अपने रोजगार के सवाल पर, अपने किसानी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में आपसे कहा था भाइयों और बहनों घर से निकलना तो घर का सिलेंडर देखकर निकलना। मैं संजय सिंह बागपत के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूँ, इस बार चुनाव में जब अपना वोट देने के लिए निकलना तो जो सिलेंडर का दाम 1100 रुपए हो गया है उस सिलेंडर को देख के निकलना, अपनी मोटरसाइकिल देख के निकलना जिसपे पेट्रोल का दाम 120 रुपए हो गया, अपने उस डीजल के डिब्बे को देख के निकलना जहाँ 100 रुपए की डीजल तुमने खरीदी, वो सरसों के तेल का डिब्बा देख के निकलना जहाँ 250 रुपए लीटर तुमने सरसों का तेल खरीदा है। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा पहुंचा दी, 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ किया और हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोगों से कहते हैं 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, 5 किलो राशन पे जिंदा रहो। नहीं मोदी जी, हम 5 किलो राशन पे जिंदा नहीं रहेंगे, हम आपकी पार्टी को हराएंगे और अपना हक इस देश के अंदर जो है उसको लेने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा ये चुनाव अंतिम चुनाव है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये चुनाव अंतिम चुनाव है, मैं भी कह रहा हूं ये चुनाव अंतिम चुनाव है, इसके बाद आपके वोट की ताकत छीन ली जाएगी, आपके आरक्षण की ताकत छीन ली जाएगी, आपके संविधान को खत्म किया जाएगा। और जब ये बात कह रहा हूं तो इसका प्रमाण अब सामने आ गया, सूरत के अंदर बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई, याद रखना। अगर गलती से नरेंद्र मोदी जीत गए तो आपके वोट की जो ताकत है ये ताकत छीन ली जाएगी, यहाँ पे पुतिन का शासन होगा, यहाँ पे किम जोंग का शासन होगा, बगैर चुनाव के यहाँ पे नेता संसद में पहुंचाए जाएंगे। सूरत तो अभी झांकी है, पूरा देश बाकी है, पूरे देश में चुनाव ये खत्म करेंगे। इनको जवाब दोगे कि नहीं दोगे बताओ, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए, जवाब दोगे कि नहीं दोगे इनको, इनको हराने का काम करना।
इनको हराने का काम करना। और मैं फिर दोहराते जा रहा हूं इस बात को कि पंडित अमरपाल शर्मा जी जब यहां से सांसद बनेंगे तो आपके क्षेत्र के विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करेंगे। ये कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए जनप्रतिनिधि के तौर पे जो इनका पिछड़ा रिकॉर्ड रहा है लोगों की सेवा का, वो सेवा इस क्षेत्र के लोगों को आने वाले 5 साल तक मिलेगी। मैं फिर से एक बार हाथ जोड़कर आप सब से विनती करना चाहता हूं कि जुल्म के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आज जो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, आपके बेटा को जिस तरह से सीबीआई का नोटिस भेजा गया है, इसके खिलाफ लामबंद होकर, एकजुट होकर, दिन रात मेहनत करके 26 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, आप 26 तारीख तक चैन से न सोना, याद रखना साइकिल चुनाव निशान को, और साइकिल चुनाव निशान पे सुबह लाइन में लग के सबसे पहले बटन दबाने का काम करना, फिर नाश्ता करना, फिर खाना खाने जाना, पहला काम साइकिल पर बटन दबाने का करना है। तैयार हो? पहले नंबर पे तो वैसे ही है खाने में, अमरपाल शर्मा पहले नंबर पे है ना, हाथ उठाने बताओ कितने लोग जानते हैं। तो जब पहले नंबर पे पहले से है तो इनको पहले नंबर पे पहुंचा दो, सब लोग पहले नंबर पे पहुंचा दीजिए इनको, इनको जिता देना, इनको जिता देना। और बाकी चुनाव चिन्ह के चक्कर में मत पड़ना, बाकी चुनाव चिन्ह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। कैसे कैसे मंजर ये आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।